हेलो गाइज एंड वेलकम टू इट फॉर मोटर राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ बजाज पल्सर 220 2024 मॉडल का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस सामने खड़ी है बजाज पल्सर 220 2024 मॉडल। यहाँ पर आपको लुक बहुत ही बढ़िया मिलता है। अपन वीडियो हमेशा से लुक से स्टार्ट करते थे और आज भी अपन बात करने वाले हैं लुक्स की। तो यहाँ पर आपको सेमी फेयरिंग देखने मिलती है फ्रंट में बजाज पल्सर 220 की। एक करिश्मा का कट्टर कॉम्पिटिटर थी और यहाँ पर अभी भी कॉम्पिटिशन में ही है। 220 एक लेजेंड है और यहाँ पर ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है इसके डिज़ाइन में। रेड कलर के स्टिकर्स मिलते हैं, कार्बन फाइबर के थोड़े बहुत डिज़ाइन मिलते हैं आपको। सेमी फेयरिंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सामने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने मिलता है, नीचे आपको बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलता है, बाकी आपको अलॉय व्हील जो है पल्सर 150 पल्सर 125 जैसे मिलते हैं। अलॉय व्हील में कोई स्पेशल डिज़ाइन नहीं दिया बजाज ने। बाकी आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं सामने और यहाँ पर फेयरिंग का डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है आपको इसके अंदर, जो कि अच्छा लगता है क्योंकि इस सेगमेंट में पहले आते थे क्लिप ऑन हैंडल बार। आजकल 200cc कैटेगरी में RS में मिलता है, NS में नहीं मिलता। NS में भी है यार, सॉरी। और रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर प्रोफाइल आपको सेम मिलती है एज यूजुअल जो पहले आती थी। प्रॉपर मडगार्ड है और LED टेल लाइट है। बाकी आपको 220F लिखा हुआ मिलता है, 220cc की फ्यूरियस बाइक। F का फुल फॉर्म तो पता नहीं लेकिन मैंने रख दिया फ्यूरियस बाइक। बाकी आपको फास्ट बाइक भी लगेगी है, यहाँ पर इंजन मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो क्या मस्कुलर बाइक है यार, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, साइड से भी बहुत अच्छी लगती है। 220 का डिज़ाइन बहुत ही अलग रहता है, ट्रू लेजेंड कहता हूँ मैं इसे, और एक अल्ट्रा लेजेंड भी कह सकते हैं अपन। पल्सर 220 2007 से इंडियन मार्केट के अंदर राज कर रही है और एक बार ये डिसकंटिन्यू हो गई थी लेकिन पब्लिक डिमांड के ऊपर ये वापस आ गई है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी आपको लुक्स इसके कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना। बजाज ने इसके अंदर कोई अपडेट नहीं दिया फिर भी ये बाइक अच्छी लगती है। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ, मतलब इसके डिजिटल मीटर की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ डैशबोर्ड और कॉकपिट का डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलता है। कॉकपिट मतलब जहाज का कॉकपिट नहीं है, बाइक का कॉकपिट है। ये चाबियां ऑन कर लेंगे अपन। ब्लू कलर की बैकलेट है। बाकी आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता है इसके अंदर, आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और टैकोमीटर मिलता है एनालॉग में। इंजन हीट लाइट और यहाँ पर देखने मिलता है इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल लाइट, लोबिन हाई बिल लाइट, ABS इंडिकेटर और इंडिकेटर वाला इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर और लो बैटरी इंडिकेटर यहाँ बताता है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर मैं टॉगल करूँगा तो देख सकते हैं इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, ओडोमीटर और इसके नीचे में फ्यूल गेज यहाँ पर आता है। बटन को टॉगल करो, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 1 और ट्रिप 1, नीचे डिस्टेंस टू एम्प्टी, फिर यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 2, ट्रिप 2 आता है। बाकी आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं लेकिन इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर अभी तक नहीं आया है और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट या फिर मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। बटन्स की बात करें तो बैकलेट वाले बटन मिलते हैं, ब्लू बैकलेट है और यहाँ पर राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन और लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच पीछे मिलता है। ये लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर और उसके नीचे हॉर्न, बढ़िया हॉर्न है यार। बजाज ने हॉर्न बहुत अच्छे दिए हैं पल्सर सीरीज़ के अंदर। और रियर व्यू मिरर जो है उतने ज़्यादा यूजेबल नहीं है, देख सकते हैं आप छोटे से रियर व्यू मिरर आते हैं, थोड़ा कम यूजेबल रहते हैं लेकिन बाइक के लुक में कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं इसके रियर व्यू मिरर। बाकी इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो सामने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जो कि हैलोजन का है और यहाँ पर प्रोजेक्टर से ये पायलट लैम्प मिलते हैं आपको और हैलोजन के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं सामने। फ्लेक्सिबल हैं इसके इंडिकेटर। और टेल लाइट की बात करूँ तो LED में मिलती है आपको टेल लाइट। टेल लाइट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बजाज पल्सर 220 की, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर LED स्प्लिट टेल लाइट देखने को मिलती है आपको। बजाज को इसके अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देना चाहिए क्योंकि अभी तक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो नहीं, आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर करता है बजाज। थोड़ा इसके अंदर इंप्रूवमेंट होगी तो बाइक और ज़्यादा अच्छी लगेगी और लेटेस्ट लगेगी, जैसे कि NS200 के अंदर अपडेट्स हुए हैं। और फुल डिजिटल मीटर भी आना चाहिए इसके अंदर या फिर सेमी डिजिटल मीटर चलेगा, लेकिन गियर पोजीशन इंडिकेटर और साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल कनेक्शन भी देना चाहिए बजाज को। तो इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में ये सब कमी रहती है और क्या क्या रहता है मैंने बताया। अब सीधा इसे बंद करेंगे, अब सीधा बात कर लेते हैं सस्पेंशन सेटअप की। तो सामने आपको मिलता है 37mm का टेलीस्कोपिक फोक कन्वेंशनल सस्पेंशन और सॉफ्ट है ये। और पीछे जो है अभी तक आउटडेटेड ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं आपको नाइट्रॉक्स वाले, 5x एडजस्टेबल हैं ये। और यहाँ पर क्या है, कंफर्ट लेवल अच्छा रहता है लेकिन हाईवे पर थोड़ा ये कमी देते हैं क्योंकि मोनोशॉक आता तो और अच्छा रहता। कंपनी ने अभी तक इसके अंदर मोनोशॉक ऑफर नहीं किया जो कि मुझे थोड़ा निराशाजनक लगा। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलेंगे अपन ब्रेक्स की तरफ। डबल डिस्क मिलता है इसके अंदर, डुअल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS। और सामने आपको 280mm का बड़ा सा डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS। और पीछे की बात करें तो पीछे आपको 230mm का डिस्क मिलेगा
पीछे आपको ABS नहीं मिलता, सामने ही ABS मिलता है, इसी को सिंगल चैनल ABS कहते हैं। सामने आपको 90x90 का टायर मिलता है 17 इंच अलॉय व्हील, 90x90 17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, और पीछे मिलता है 126 का टायर जो कि 120x80 होगा, 120x80x17 17 इंच का अलॉय व्हील। थोड़ा और मोटे टायर आते हैं जैसे कि पीछे 130mm और सामने 100mm का, तो और अच्छा रहता, इसके ग्रिपिंग भी बढ़ जाती और बाइक मस्कुलर लगती पल्सर 220F। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टायर्स के बारे में। अब सीधा चलेंगे मेन इंजन की तरफ, और इस बाइक को इसका इंजन एक लेजेंड बनाता है क्योंकि ये लेजेंडरी इंजन है। यहाँ पर आपको मिलता है DTSI इंजन डुअल स्पार्क पिन वाला, जो कि है 220cc ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व VA6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 20.4 BHP की और मैक्स टॉर्क निकालता है 18.55 न्यूटन मीटर का, और E20 पेट्रोल का सपोर्ट भी मिलता है इसके अंदर, BS7 है ये। और यहाँ पर क्या है, आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलेगी इनिशियल और मिड रेंज में, और यहाँ पर क्या है पिकअप भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा इस इंजन से। इसका इंजन इतना अच्छा रहता है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा निकलता है ये, और इसके इंजन की वजह से करिश्मा डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है इंजन अच्छा रहने की वजह से ही बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब इंजन अच्छे होने का नुकसान अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर माइलेज की बात करें तो कंपनी तो 35-40 का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन अगर आप हार्श राइडिंग करते हैं, थोड़ा रफ चलाते हैं इस बाइक को, ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, तो ये बाइक आराम से 25 का ही माइलेज निकाल सकती है, जो कि 220cc के हिसाब से थोड़ा कम लगता है। अगर ये बाइक 30 के ऊपर माइलेज निकाल के देगी तो अच्छा है, अगर आप रफली चलाएंगे तो 25 तक भी माइलेज गिर सकता है, तो ये बात याद रखना अगर आप 220 खरीदते हैं तब। इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको माइलेज में भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो सीट हाइट मिलती है 795mm की। अगर आपकी हाइट 5'3" है तो आप आराम से चला सकते हैं, या उससे ज़्यादा है तो भी आराम से चला सकते हैं, लेकिन 5'3" से हाइट कम है तो थोड़ा दिक्कत होती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन गॉट ऑफ सेंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था इसके अंदर, क्योंकि 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता तो थोड़ा अच्छा रहता है इस बाइक को, क्योंकि स्पोर्ट्स टूरर बाइक है ये, तो टूरिंग के टाइम थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस लगता ही है। और टैंक कैपेसिटी मुझे पसंद है इस बाइक की, क्योंकि 15 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी है ये, 15 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी और 220 जैसी बाइक, तो लॉन्ग राइड के लिए अच्छा मदद करती है इसकी टैंक कैपेसिटी। ओवरऑल वेट की बात करें तो 160 kg की आती है पल्सर 220F। थोड़ा हेवियर साइड है इसका वेट, क्योंकि 220cc की गाड़ी है, थोड़ा हेवी लगती है मेरे को, लेकिन अगर आप चला सकते हैं तो दिक्कत की बात नहीं है। हाईवे पर स्टेबिलिटी इस वेट की वजह से अच्छी मिल जाएगी आपको। अब बात कर लेते हैं पल्सर 220 की ऑन रोड प्राइसिंग की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर 220 2024 मॉडल ऑन रोड पड़ता है 172,600 रुपये की प्राइस पर। 172,600 में क्या अच्छा क्या बुरा मिलता है अब मैं कंक्लूजन बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी चीज़ आपको लुक लेजेंडरी मिलेगा, दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस, तीसरी चीज़ का है कंफर्ट लेवल, कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको। मैं सीट के बारे में बताना भूल गया था, यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा, राइडर प्लस पिलियन दोनों कंफर्टेबल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट कंफर्ट अच्छा मिलता है। और राइडिंग पोजीशन थोड़ी अग्रेसिव है, उतनी ज़्यादा भी नहीं R15 GC, लेकिन आपको थोड़ी अग्रेसिव मिलती है, उसके बावजूद आपको कंफर्ट लेवल अच्छा मिलता है, आपके ऊपर उतना ज़्यादा लोड नहीं आता। और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी अच्छा काम करता है, और यहाँ पर थोड़ा माइलेज की दिक्कत आती है आपको, कमियों में मेरे को माइलेज लगता है, और दूसरी कमी टॉप स्पीड की है, 140 km/h तक ही जाती है ये बाइक, क्योंकि R15 से ज़्यादा जाती है। R15 155cc की बाइक है और ये 220cc की लेजेंडरी बाइक है ये, लेकिन टॉप स्पीड में यहाँ पर लिमिटर लगाया है बजाज ने। और यहाँ पर आपको 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी अच्छी मिलती है, ओवरऑल वेट बाकी सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक वाइब्रेशन झेलना पड़ता है, दूसरा टॉप एंड परफॉर्मेंस भी कम मिलती है इसके अंदर, और तीसरी टॉप स्पीड, ये सब आपको झेलने को मिलता है पल्सर 220 खरीदते हैं तो। और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे आते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 220F 2024 मॉडल का रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।